हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिविल मंत्रा। मैं हूं अनुपम। आज दोस्तों हम बात करेंगे मैकेनिकल प्रॉपर्टी के बारे में। कोई भी दोस्तों हम क्या करते हैं, मटेरियल को बनाते हैं, तो क्या हमें उसकी प्रॉपर्टी को पता होना चाहिए? अगर हमें उसकी प्रॉपर्टी को नहीं पता तो हम नहीं पता लगा सकते कि हमारा मटेरियल कितना अच्छा है या फिर हम कब टूट जाएगा। तो ये दोस्तों मैकेनिकल जो प्रॉपर्टी है किसी भी एलिमेंट की, किसी भी मटेरियल की, हमें जानना बहुत जरूरी है। तो आइए देखते हैं दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो को, देखते हैं कि मैकेनिकल प्रॉपर्टी क्या होती है। कुछ मेन मेन प्रॉपर्टी को दोस्तों मैंने कंसीडर किया है जो आपके एग्जाम से और इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों दोनों इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्टली हम बात कर लेते हैं जो हमारी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वह हमारी होती है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ क्या होता है, जैसे कि मैंने डेफिनेशन भी लिखा हुआ है, अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो आपके लिए हेल्पफुल होगा। स्ट्रेंथ क्या होता है, कह रहा है कि व्हेन एन एक्सटर्नल लोड इज अप्लाइड ऑन ए मटेरियल then the capacity of a material to withstand the load without destruction is called strength of material। कहने का मतलब, कोई भी दोस्तों हमारा क्या मटेरियल है, हमने क्या कि इस पे फोर्स लगाया, मटेरियल में हमने क्या फोर्स लगाया, बट ये फोर्स को क्या कर सकता है, वियर कर सकता है। कहने का मतलब, हमने इस पे फोर्स लगाया, ऐसे फोर्स लगा दिया, ऐसे फोर्स लगा दिया, बट क्या है, इस पे डिस्ट्रक्शन नहीं हो रहा। अगर इसमें डिस्ट्रक्शन हो जाता तो हमारा बॉडी क्या है, स्ट्रेंथ यानी उसकी अच्छी नहीं है। अगर उसमें डिस्ट्रक्शन नहीं हो रहा, विदाउट डिस्ट्रक्शन इस कार्ड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। कहने के मतलब, जो हम फोर्स लगा रहे हैं उसको क्या कर सकता है, विदस्टैंड कर सकता है, वियर कर सकता है, तो वह हमारी होती स्ट्रेंथ। कहने का मतलब, कहते हैं ना, अगर हम किसी को कुछ किसी भी बॉडी पे क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, या फिर हम कहते हैं ना, हमने किसी को मारा तो क्या है, अगर वो उसने वियर कर लिया उसने, तो हम क्या कहते हैं, वो स्ट्रेंथ है, मजबूत है। तो यहां भी कंसिडर, वो मटेरियल हमारा क्या है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, अच्छी है, तो वो हमारी प्रॉपर्टी दोस्तों होती है स्ट्रेंथ की। बात करते हैं नेक्स्ट हमारा जो है वो है इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी आखिर होती क्या है, तो कह रहा है कि मटेरियल रीजन्स ओरिजिनल शेप एंड साइज एज सून एज डिफॉर्मिंग फोर्स आर रिमूव्ड। कोई भी बॉडी है, हमने क्या किया, इसमें फोर्स लगाया, हमने क्या किया, फोर्स लगाया, इसमें फोर्स लगाया, तो ये बॉडी क्या डिफॉर्म हो रही है, डिफॉर्म हो रही है। बट क्या है, जैसे भी हमने फोर्स को हटा दिया, इस फोर्स को हटा दिया, तो बॉडी जितनी थी पहले इतना था, हमने फोर्स लगाया इतनी बॉडी हो गई। फिर जब हमने फोर्स को रिमूव कर दिया, वो बॉडी क्या है, अपने शेप और साइज पे ओरिजिनल आ गई। जितना उसका लेंथ था, जितना विड्थ था, वो क्या है, ओरिजिनल शेप और साइज पे आ गई। तो उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं इलास्टिसिटी। कहने का मतलब, आपने देखा होगा रबड़ को क्या है, हमारी इतनी सी रबड़ है, हम क्या करते हैं, खींचते हैं तो क्या सकते हो, बढ़ जाती है, फिर छोड़ देते हैं तो अपनी इनिशियल स्टेज को गेन कर लेती है। तो ऐसी प्रॉपर्टी हमारी कहलाती है इलास्टिसिटी। नेक्स्ट हमारी दोस्तों प्रॉपर्टी होती है प्लास्टिसिटी। जैसा कि आपको पता है, प्लास्टिसिटी नाम से क्लियर हो रहा है कि मटेरियल डज नॉट रिजन ओरिजिनल शेप एंड साइज, हेंस द डिफॉर्मेशन आर परमानेंट इन नेचर। कहने का मतलब, कुछ मटेरियल हमारे दोस्तों ऐसे होते हैं, जैसे कि हमने क्या किया, फोर्स लगाया, ठीक है, फोर्स लगा दिया। जब हम फोर्स लगाते हैं, अब हम कैसे फोर्स लगा रहे हैं, अब हम जब इसको फोर्स को हटा देते हैं ना, जब फोर्स को हटाने के बाद जो भी हमारा लेंथ में चेंज होता है वो उतना ही रहता है। कहने का मतलब, अपनी इनिशियल शेप को और साइज को वो गेन नहीं कर पाता, वो परमानेंट चेंज हो जाता है। यानी अगर हमने इतना चेंज किया, इतना लेंथ तक चेंज किया, और हमने क्या किया, इतनी हमारी लेंथ है उसको हमने क्या और बढ़ा दिया, अब ये इतनी बड़ी रहेगी। अब अपनी फोर्स हटाएं तो भी क्या है, इतना ही, जितनी इसकी लेंथ बढ़ गई है वो परमानेंट, कहने का मतलब चेंज हो गई है। तो ऐसी हमारी प्रॉपर्टी कहलाती है प्लास्टिसिटी। ओके दोस्तों, आपको आशा करता हूं समझ में आ रहा होगा। अगर आपको दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। नेक्स्ट हमारा प्रॉपर्टी होती है डक्टिलिटी। इंपॉर्टेंट दोस्तों प्रॉपर्टी है, आप काफी कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारी डक्टिलिटी प्रॉपर्टी क्या होती है। अब देखो दोस्तों, डक्टिलिटी प्रॉपर्टी हमारी क्या होती है, कहता है कि इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल By which it can be drawn into thin wire। कहने का मतलब, कुछ हमारे ऐसे एलिमेंट होते हैं, जैसे हमारा एल्यूमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, गोल्ड हो गया। अब क्या है, हमारा क्या है, कोई मैकेनिज्म आपने देखा होगा, ऐसे हमने क्या किया, इसमें से इस मटेरियल को इस तरीके से पास किया। अब क्या है, जब इसे मटेरियल यहां से पास होगा तो क्या होगा, अपने वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी मटेरियल क्या है, मटेरियल हमारा क्या है, पूरा है जिस तरीके से हमारा मटेरियल होना चाहिए, बट उसकी प्रॉपर्टी क्या है, उसको हम क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, वायर बना सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा एल्युमिनियम की वायर होती है, कॉपर है हमारा, गोल्ड हमारा क्या होते हैं, गोल्ड हमारा पूरा गोल्ड होता है, उसमें हम क्या करते हैं, परमानेंट बना लेते हैं, हार्ड करके। तो क्या है, उसकी डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी है। कॉपर को हम क्या है, वायर के रूप में बना सकते हैं, हम गोल्ड को हम वायर के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं, एल्युमिनियम को कर सकते हैं। तो ये जो प्रॉपर्टी होती है, जो वायर में कन्वर्ट हो जाती है, वह हमारी प्रॉपर्टी कहलाती है डक्टिलिटी।
इसको मेजर्ड करते हैं हम इन टर्म ऑफ परसेंटेज इलोंगेशन अंडर लोड, कि हमने कितना लोड लगाया उस परसेंटेज इलोंगेशन के बीच में, वह हमारा होता है मेजरमेंट होता है हमारा डक्टिलिटी का। तो आपको समझ में आ गया कि डक्टिलिटी क्या होती है। डक्टिलिटी एक तरीके से हमारी प्रॉपर्टी होती है जो क्या करता है, चेंज कर देता है ड्रॉन इनटू वायर के शेप में, ठीक है डक्टिलिटी। अब आते हैं कि फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है। फ्लेक्सिबिलिटी दोस्तों नाम से क्लियर हो रहा है, जैसे नाम से क्लियर होगा कि फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल का मतलब हम कैसे भी फोर्स लगाएं, कोई हमारी क्या स्प्रिंग है, स्प्रिंग है हमारा मटेरियल, हमने फोर्स लगाया, ये क्या आर्क के रूप में कन्वर्ट हो गया यानी बेंट हो गया, तो हमारा इस तरीके से हमारा जो भी एलिमेंट होता है वह हमारा कहलाता है फ्लेक्सिबिलिटी की कंडीशन में आता है। वो प्रॉपर्टी क्या होती है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है। तो द एबिलिटी ऑफ ए मटेरियल टू बेंट इजिली, यानी हमने फोर्स लगाया बेंट हो गया। अब स्प्रिंग में देखो हम लोग फोर्स लगाते हैं, या फिर ऐसी हमारी स्प्रिंग है, कोई हमारा मटेरियल है, ऐसे वायर है, हमने फोर्स लगाया वो क्या होगा बेंट हो गई। तो प्रॉपर्टी किसकी कहलाती है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है प्रॉपर्टी हमारी। अब हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है मैलेबिलिटी क्या होती है। आपको डक्टिलिटी समझ में आ गया, डक्टिलिटी जैसे मैंने समझाया कि क्या होता है वायर में चेंज हो जाते हैं, जो हमारे गोल्ड होते हैं, कॉपर होते हैं, एल्यूमिनियम होते हैं, ठीक है। अब देखो डक्टिलिटी में क्या होती है, थोड़ा सा चेंज है। तो मटेरियल कैन बी ट्रांसफर इनटू थिन शीट बाय हैमरिंग और रोलिंग, कहने का मतलब जो मैलेबिलिटी होती है वो ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो शीट में चेंज कर देती है बाय हैमरिंग प्रोसेस पे, या फिर हमारा रोलिंग का प्रोसेस है। हमने क्या लिखा, रोल लगाया, इस तरीके से रोल लगाया, एक हमारा मटेरियल है इसको हमने यहां से पास कराया, अब वो क्या हुआ एक सीट के रूप में क्या हुआ कन्वर्ट हो गया। वो हमारा एल्यूमिनियम, जैसे हाई मेलेबल में हमारा कॉपर है, एल्यूमिनियम है, सिल्वर है, ये ऐसी प्रॉपर्टी हमारी होती है मेलेबिलिटी की। क्या होता है इसमें थिन सीट में क्या कर सकते हैं, हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। वहां क्या था, हमने वायर में कन्वर्ट किया था। अब बात करते हैं कि हमारा ब्रिटलनेस क्या होता है। ब्रिटलनेस जैसे कि आपको नाम से कन्फर्म हो रहा है, भंगुर, भंगुर का मतलब क्या होता है, ए मटेरियल सडनली ब्रेक विदाउट सफरिंग एप्रिसिएबल डिफॉर्मेशन अंडर द गिवन लोड, कहने का मतलब कोई भी हमारा मटेरियल है, हमने क्या किया इसमें लोड लगाया, लो भाई हमने लोड लगा दिया, कह रहा है कि सडनली जब इसमें लोड लगाते हैं तो मटेरियल हमारा क्या था ब्रेक हो जा रहा है। ये भाई क्या होगा, ब्रेक हो गया, हमने फोर्स लगाया था, मटेरियल हमारा क्या हो सडनली ब्रेक हो गया, इसमें कोई डिफॉर्मेशन नहीं हुआ। मेन पॉइंट क्या है, सफरिंग विदाउट सफरिंग एप्रिसिएबल डिफॉर्मेशन अंडर द गिवन लोड, यानी डिफॉर्मेशन हमारा बहुत ही कम हुआ, और वो डिफॉर्मेशन होने के पहले जब हमने फोर्स लगाया वो क्या होगी टूट गई, तो हमारा वो क्या होता है ब्रिटलनेस होता है। जैसे हमारा ग्लास होता है, इसमें क्या हम फोर्स लगाते हैं तो क्या होता है मटेरियल हमारा क्या होता है टूट जाता है, जहां से हम फोर्स लगाएंगे वहीं से टूट जाएगा। तो ये जो प्रॉपर्टी होती है वह हमारी कहलाती है ब्रिटलनेस की प्रॉपर्टी। नेक्स्ट हमारा दोस्तों होता है हार्डनेस, कि हमारा हार्डनेस क्या होता है, कह रहा है कि इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल बाय विच ऑफ विच ए मटेरियल अपोज कटिंग रबिंग एंड स्क्रेचिंग, दिस इज कॉल्ड हार्डनेस। हार्डनेस का मटेरियल क्या है, हमारा ये मटेरियल है हार्डनेस है, हमको क्या है इसमें लेथ मशीन में वर्क करना है। अब लेथ मशीन में वर्क कर रहे हैं तो क्या है इसकी कटिंग प्रॉपर नहीं हो पा रही है, रबिंग नहीं हो पा रही है, स्क्रैच नहीं हो पा रहा है प्रॉपर, हमें कुछ लिखना है तो हमारा प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी क्या दिखा रही है कि हमारा जो मटेरियल है ना वो क्या हार्ड है, वो मटेरियल हमारा क्या बहुत हार्ड है, हम उसमें कुछ लिखना चाह रहे हैं तो क्या स्क्रैच नहीं हो पा रहा, हम उसको रब करना चाह रहे हैं तो वो नहीं हो पा रहा, कटिंग नहीं हो पा रही ठीक से, तो ये क्या होते हैं हार्डनेस की प्रॉपर्टी होती है। इसको हम डिनोट कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं बीएचएन से, ये हमारी एक तरीके से हार्डनेस की यूनिट होती है, अगर आप पढ़ेंगे तो आगे समझ में आएगा टेक्निकल वर्ड में, एचआरसी हो गया, बीएचएन हो गया, ये हमारा क्या है हार्डनेस की जो मेजर करते हैं। अब आता है टफनेस। अब देखो दोस्तों आपको कंफ्यूजन नहीं होना कि हार्डनेस में क्या और टफनेस क्या एक तरीके से आपको वर्ड लग रहे हैं, तो बट एग्जाम आपसे पूछ सकता है कि हार्डनेस क्या होता है टफनेस क्या होता है दोनों दिया। अब देखो टफनेस क्या होता है, हार्डनेस तो आपको समझ में आ गया, अब टफनेस क्या है, टफनेस कह रहा है कि इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल विच अपोज शॉक जर्क बिफोर ब्रेकिंग, कहने का मतलब टफनेस हमारा प्रॉपर्टी को यह दिखाता है कि हमने क्या किया उसमें फोर्स तो लगाया बट उस फोर्स को क्या किया उसने अपोज कर दिया बिना टूटे, बिफोर ब्रेकिंग बिना मतलब टूटने के पहले उस फोर्स को क्या कर दिया अपोज कर दिया, वह हमारी प्रॉपर्टी क्या होती है, वह हमारी प्रॉपर्टी होती है टफनेस की। कहने का मतलब देखो हमारा गाड़ी है, ये क्या हमारी गाड़ी है, गाड़ी में क्या ग्लास लगा होता है, गाड़ी में ग्लास लगा होता है, इसमें ईटा किसने मारा, अब ईटा मारेगा तो क्या होता है ये तुरंत टूटता नहीं है ना, इसको क्या करता है वियर कर लेता है, अगर ये वियर नहीं कर पाता इसके टफनेस नहीं होता, वो ग्लास टफ नहीं होता तो क्या होता वो कांच तुरंत टूटता और हमको लग जाता। अगर तो इस तरीके की हमारी जो प्रॉपर्टी होती है हमारी टफनेस के अंतर्गत आती है। आपको समझ में आ गया टफनेस हमारा क्या होता है, कहने का मतलब ये मटेरियल एब्जॉर्ब सफिशियंट अमाउंट ऑफ एनर्जी बियॉन्ड इलास्टिक लिमिट, कहने का मतलब हमारी
जो टफनेस है ना, एक तरीके से हमारा क्या है, ये क्या अपोज करता है शॉक को। अब अपोज कर रहा है तो क्या करना, ये वियर कर रहा होगा ना, जो हमारा उसमें फोर्स अप्लाई हो रहा है उसको क्या कर रहा है, वियर कर रहा है। तो हम कह सकते हैं एब्जॉर्ब सुफिशियंट अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो ये प्रॉपर्टी होती है दोस्तों टफनेस की। तो क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है उस एनर्जी को, ताकि हमारा जो ब्रेकिंग के पहले, ठीक है, तो ये हमारी प्रॉपर्टी होती है टफनेस की। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हमारा क्रीप क्या होता है। क्रीप क्या है कि टाइप ऑफ डिफॉर्मेशन एट ए हाई टेम्परेचर अंडर कॉन्स्टेंट स्ट्रेस इज नोन एज ए क्रीप। समझ में नहीं आया होगा कि कह क्या रहा है। अब देखो क्रीप का मतलब क्या है। क्रीप हमने मान लिया भाई हमारा कोई मेटल है वो रूम टेम्परेचर पे है, हमारा मटेरियल क्या है रूम टेम्परेचर पे है। जब ये रूम टेम्परेचर पे है तो क्या होगा, अगर हम इसमें लोड अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, डिफॉर्मेशन होगा इस टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, तो डिफॉर्मेशन होगा इसमें। तो अब जब इसमें टेम्परेचर भी लग रहा है, फोर्स भी लग रहा है, तो ये क्या विस्कस प्रॉपर्टी को गेन करेगा, कुछ विस्कस की प्रॉपर्टी आएगी। जब इसमें विस्कस की प्रॉपर्टी कंटिन्यू आएगी, उसी टेम्परेचर पे आती रहेगी, तो हमारा मटेरियल क्या होगा, डिफॉर्म होगा ना, धीरे धीरे करके डिफॉर्म होगा, कंटिन्यूअस धीरे धीरे करके डिफॉर्म होगा। तो इस तरीके का जो हमारा डिफॉर्मेशन है, दिस टाइप ऑफ डिफॉर्मेशन एट ए हायर टेम्परेचर, जो हमारा डिफॉर्मेशन होता है वो हायर टेम्परेचर पे अंडर ए कॉन्स्टेंट स्ट्रेस, जो हमारा स्ट्रेस लग रहा है, फोर्स लग रहा है, वो क्या है, कॉन्स्टेंट स्ट्रेस इज नोन एज ए क्रीप। आपको समझ में आ गया हो क्रीप हमारा क्या होता है। ओके दोस्तों, अब बात करते हैं फैटिक की, कि हमारा फैटिक क्या होता है। फैटिक जैसा कि अगर हिंदी में देखें तो इसका मतलब होता है थकान। क्या मतलब होता है थकान। अब आदमी थकता कब है, अगर एक आदमी है हम उसको बार बार काम दे रहे हैं, एक बार काम दिया किया फिर उसको काम देते जा रहे हैं, एक टाइम ऐसा आएगा वो थक के कहेगा भाई मैं नहीं कर सकता, मैं थक गया हूं, ठीक है। अब वो थक गया तो क्या करेगा, एक टाइम ऐसा भी आ सकता है वो भाई टूट सकता है ना, मटेरियल के टर्म में बात करें तो कहने का मतलब, कहना क्या चाहता है कि लॉस ऑफ स्ट्रेंथ और लॉस ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ ए मटेरियल ड्यू टू कॉन्टिन्यूस वेयरिंग लोड इज नोन एज ए फैटिक। कहने का मतलब उस मटेरियल की, हम एक हमारा मटेरियल है, हम क्या करें उसमें कंटिन्यूअस लोड लगा रहे हैं, लगाते जा रहे हैं। अब एक समय ऐसा आ रहा है ना जो इसकी स्ट्रेंथ है ना ओरिजिनल, वो स्ट्रेंथ को क्या कर रहा है, लॉस कर रहा है, अपनी स्ट्रेंथ को क्या कर लॉस कर रहा है। तो जो ये स्ट्रेंथ को लॉस कर रहा है ना, जो कंटिन्यूअस हमारा वेरिंग लोड लग रहा है, वो इसी प्रॉपर्टी हमारी कहलाती है फैटिक। जैसे आपने देखा होगा सड़क हम देखें, फैटिक कंटिन्यू लोड लग रहा है, हमारा पुल है देखो होगा, ब्रिज हमारा पुल है, ये सब क्या है, फैटिक के एग्जाम्पल है, क्योंकि उसमें देखो कंटिन्यूस क्या है, लोड लग रहा है। अगर हम देखें हमारा घर भी क्या है, कंटिन्यू लोड लग रहा है उस पर, तो क्या है, तो वही कह रहा है कि लॉस ऑफ स्ट्रेंथ और लॉस ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ ए मटेरियल ड्यू टू कंटिन्यूस वेयरिंग लोड, उसमें क्या है कंटिन्यूस वेयरिंग लोड लग रहा है, उसके कारण क्या है उसकी स्ट्रेंथ क्या है लॉस हो जा रही है। तो जो स्ट्रेंथ लॉस हो जा रही है तो मटेरियल क्या थक जाएगा भाई, तो वही हमारी प्रॉपर्टी कहलाती है फैटिक। तो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। ये दोस्तों हो गई आपकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। अगर आपको दोस्तों ऐसे ही वीडियो चाहिए तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट दोस्तों जरूर करें।